नमस्कार विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के ऊपर किस प्रकार की प्रॉब्लम बढ़ती है, ऑपरेटर्स के रिलेशन को लेकर उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जब मैंने आपको सेकेंड यूनिट अर्थात फोर्थ नंबर चैप्टर स्टार्ट करवाया था, तब उसका मैंने सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर जो कि सेकेंड यूनिट का था उसके अंतर्गत मैंने सेकेंड लेक्चर में आपको ऑपरेटर के मध्य रिलेशन बताए थे, डेल्टा का डेल्टा के साथ में, एवरेज ऑपरेटर का सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के साथ में, और थर्ड लेक्चर में मैंने यही क्वेश्चन करवाया था विद यूजुअल नोटेशन आपको ये प्रूव करना था। तो उसके अलावा अपना एक अनसॉल्व क्वेश्चन है जो कि उसी तरह का है, उसको लेकर आज अपन बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको ऑपरेटर्स के मध्य रिलेशन पता होंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेकर, जिसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डेल स्क्वायर न्यू स्क्वायर, और अपन को लाना है 1 प्लस डेल स्क्वायर बाय 2। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर बात करूंगा और राइट हैंड साइड प्रूव करूंगा। तो देखिए, अपन जानते हैं एक रिलेशन, क्या रिलेशन जानते हैं, मैंने आपको रिलेशन बताया था एवरेज ऑपरेटर और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के मध्य, ये आपके पास में रिलेशन होता है। तो इसको मैं यहां यूज करूंगा तो मेरे पास देखिए क्या रिजल्ट आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डेल स्क्वायर एज इट इज और म्यू स्क्वायर की जगह मैंने ये पुट कर दिया, तो ये हो गया आपके पास में, ठीक बात। अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूं तो मेरे पास कुछ रिजल्ट इस प्रकार आ गया, ठीक बात। अब मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखे अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, 1 प्लस डेल स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर। देखिए, मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा, इसका स्क्वायर 1 फिर 2ab, तो 2 into 2 कैंसिल आउट और डेल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे डेल की पावर 4 अपॉन 4, और स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये हो गया 1 प्लस डेल स्क्वायर बाय 2, जो कि अपना क्या है, राइट हैंड साइड है। ये तो अपन को प्रूव करा था, क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, आपको ऑपरेटर के मध्य रिलेशन पता होने जरूरी है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, लेफ्ट हैंड साइड अपन ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास में, डेल स्क्वायर बाय 0। अब मैंने एक रिलेशन आपको बताया होगा, ठीक है, डेल्टा बराबर आपके पास में डेल्टा इंटू ई की पावर माइनस आर, ये बताया था, इसका मैं यहां यूज करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा इंटू ई की पावर माइनस हाफ का स्क्वायर इंटू वाई ऑफ 0, और इसको यदि मैं ओपन करता हूं तो ये अपने पास होगा डेल स्क्वायर और ई की पावर माइनस 1 इंटू वाई ऑफ 0। अब देखिए, डेल अपने पास में क्या होता है, अपन जानते हैं कि जो ई का मान होता है वो 1 प्लस डेल्टा के बराबर होता है, ठीक बात। तो डेल्टा की जगह क्या आएगा, ई माइनस 1, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ई माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई माइनस 1 इंटू वाई 0। देखिए, रिलेशन याद हो गए तभी क्वेश्चन को कर पाओगे, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। अब मैं इसको ओपन करता हूं, ये हो गया ई स्क्वायर माइनस 2ई प्लस 1, और ये हो गया आपके पास में ई की पावर माइनस 1 और वाई 0। अब मैं इसको अंदर ऑपरेट करवाऊंगा, ई स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 1 ई माइनस 2 प्लस ई की पावर माइनस 1 और ये वाई ऑफ 0, और वाई ऑफ 0 ई इंटू वाई ऑफ 0 क्या होगा, वाई ऑफ 1 माइनस 2 वाई ऑफ 0 प्लस ई की पावर माइनस 1 इंटू वाई ऑफ 0 वाई ऑफ माइनस 1। ये आपके पास में क्या आ गया, साइड राइट हैंड साइड यही है मेरे ख्याल से, वाई 1 माइनस 2 वाई 0 प्लस वाई 1 आना है, क्योंकि अपन सॉल्व कर रहे हैं तो कंफर्म आएगा जब अपने को रिलेशन याद होंगे, ठीक बात। अब अपन क्वेश्चन लेकर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को, तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैं राइट हैंड साइड को लेकर बात करूंगा, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अपने लिए थोड़ा लंबा पड़ जाएगा और सीरीज बना के फिर उसका nth टर्म लेंगे, क्योंकि पहले मुझे सीरीज ओपन करनी पड़ेगी और सीरीज ओपन करके उसका nth टर्म होगा वो समेशन के रूप में अपन लिखेंगे, ठीक बात। लेकिन मैं यदि राइट हैंड साइड लेता हूं तो वो इजीली हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, समेशन आवर k बराबर 0 से n माइनस 1 की पावर n n c k और नेबला की पावर के, अर्थात बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ y 0, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, इसके समेशन को ओपन करता हूं। तो सबसे पहले के बराबर जीरो पुट करेंगे तो ये रिलेशन आएगा वाई जीरो, क्योंकि देखिए माइनस वन की पावर जीरो वन, जीरो सी जीरो वन, और आपके पास लैम्डा की पावर जीरो वन, ओनली फॉर वाई जीरो बस गया। फिर मैं के का मान वन पुट करूंगा तो ये माइनस वन एन सी वन, और एन सी वन का मान क्या होता है, एन होता है। तो यहां पर देखिए माइनस का एन इंटू, या फिर इसको एन सी वन ही लिखो, और ये हो गया आपके पास में नेबला वाई जीरो। अगला टर्म हो गया टू रखेंगे तो टू एन सी टू, और पॉजिटिव हो जाएगा माइनस वन की पावर टू, एन सी टू नेबला स्क्वायर वाई जीरो माइनस एन सी थ्री नेबला क्यूब वाई जीरो एंड सो ऑन। आपके पास में ये क्रम तो लिखा हुआ है, चलता रहेगा इनफाइनाइट सीरीज तक आपके पास में एन तक, और लास्ट टर्म आपके पास में ये आ ही जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, लास्ट टर्म यदि आपको चाहो तो आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, ये लिखोगे आपके पास में माइनस वन की पावर एन एन सी एन, अर्थात उसका मान वन, और नेबला की पावर एन वाई ऑफ जीरो। अब मेरी बात सुनिए, इसमें से y0 सब में कॉमन है, क्योंकि y0 क्या है, एक फंक्शन है, आर्बिट्री फंक्शन, और उसको अपन स्वेच्छा बाहर निकाल सकते हैं। तो मेरी बात सुनिए, यहां पर आएगा 1 माइनस एन सी वन नेबला प्लस एन सी टू नेबला स्क्वायर माइनस एन सी थ्री नेबला क्यूब, ठीक बात, और एंड सो ऑन प्लस प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू नेबला की पावर एन ऑफ वाई जीरो। और ये सीरीज अपन यदि ध्यान से देखें तो आपको सीरीज का यदि नॉलेज है तो ये होता है 1 माइनस नेबला की पावर एन ऑफ वाई जीरो। और 1 माइनस नेबला, मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूं, यहां पर और प्रॉपर्टी मैं फर्स्ट चैप्टर की यूज करूंगा। तो फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि 1 माइनस नेबला होता है वो ई की पावर माइनस वन होता है, ठीक है, और ई बराबर वन प्लस डेल्टा होता है। तो ये ध्यान रखना, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर माइनस वन, वन माइनस नेबला की जगह n ऑफ y जीरो, और इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर माइनस n y जीरो। और ये क्या है, इनवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर है। तो ये कैसे अप्लाई होता है, y ऑफ माइनस n, और जो कि अपना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। ये आप अभी मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ये e की पावर माइनस एन टू वाई जीरो ये कैसे आया, क्योंकि मैं डेफिनेशन में और फर्स्ट चैप्टर में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन बड़े इजी है लेकिन अपने को करने पड़ेंगे, ठीक बात, नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन लेकर बात करता हूँ, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखिए अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ को लेकर, तो सबसे पहले आप थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि अपन को ऑपरेटर पता होगा तो अपन इजीली कर सकते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर बात करूं या राइट हैंड साइड को, क्वेश्चन को देखते हैं पता चलेगा। देखिए यहाँ दो टर्म है और यहाँ एक टर्म, मेरे हिसाब से इसको अपन राइट हैंड साइड से लेके सॉल्व करेंगे तो अपने लिए इजी रहेगा, नहीं तो फिर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो अपन को दो टर्म जोड़ने और घटाने पड़ेंगे तभी जाके राइट हैंड साइड आएगा, ध्यान रखना। कर सकते हो लेकिन अपन को टू टर्म्स ऐड करने पड़ेंगे और सब्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको इजीली तरीके से करवाऊंगा राइट हैंड साइड से, तो ठीक है। तो ऑल टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड अपने पास में क्या है, देखिए मैं बात करता हूं म्यू वाई ऑफ एक्स प्लस वन बाई टू डेल वाई ऑफ एक्स। अब मैं यहाँ छोटा सा रिलेशन लिख लेता हूँ, म्यू बराबर क्या होता है, वन बाई टू इंटू ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ, एंड डेल्टा बराबर क्या होता है, ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ, ठीक बात। इसको मैं यहाँ यूज करूंगा, देखिए वन बाई टू इंटू ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ इंटू वाई ऑफ एक्स प्लस वन बाई टू है और डेल्टा के मान रख देते हैं अपन ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ इंटू वाई ऑफ एक्स। देखिए ये प्लस का ई की पावर माइनस हाफ है, ये माइनस का, कैंसिल आउट, और ये आपके पास हो गया वन बाई टू इंटू टू ऑफ ई की पावर हाफ इंटू वाई ऑफ एक्स, टू इंटू टू कैंसिल आउट, तो ये हो गया ई की पावर हाफ इंटू वाई ऑफ एक्स, जो कि अपना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो मैं इसको लिख सकता हूं अपना लेफ्ट हैंड साइड, ठीक बात। अब अपन क्वेश्चन लेकर नाइन को लेकर बात करेंगे। नाइन आपके पास में सेकंड का एज इट इज है, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं,
डेल्टा क्यूब बाई जीरो, तो मैंने अभी बताया था डेल्टा क्या होता है, सॉरी डेल, डेल होता है डेल्टा इंटू ई की पावर माइनस हाफ इंटू वाई जीरो, ठीक बात, सॉरी वाई ऑफ हाफ है यहाँ, ये बात आपके पास में थोड़ी समझ में समझनी जरूरी है कि यहाँ पर आपके पास वाई जीरो था या वाई हाफ है। बाकी मैं फॉर्मूला वही अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ये बता चुका हूँ पोस्टर में लिख के, तो आपको ये काम खुद करना है कि जो डेल्टा होता है वो आपके पास में डेल्टा इंटू ई की पावर माइनस हाफ होता है, ठीक बात। अब मेरे पास में इसके पावर कितनी है, थ्री, तो ये हो गया डेल्टा क्यूब इंटू ई की पावर माइनस थ्री बाई टू, लेकिन ये वाई ऑफ हाफ है मुझे जीरो में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ ई की पावर हाफ इंटू वाई ऑफ जीरो, और ये आपके पास में हो गया देखिए डेल्टा बराबर ई माइनस वन। अब की बार मैं बार बार फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें भी बता चुका हूँ, और ये e की पावर माइनस थ्री बाई टू वन बाई टू ई की पावर माइनस वन ऑफ वाई ऑफ जीरो, और इसको अपन ओपन करेंगे ये होगा ई क्यू माइनस थ्री ई स्क्वायर प्लस थ्री ई माइनस वन, और इसके साथ में होगा ई माइनस वन इंटू वाई जीरो, और ये होगा आपके पास देखिए ई की पावर माइनस वन को ऑपरेट करवाएंगे तो ई स्क्वायर माइनस थ्री ई प्लस थ्री, और ये हो गया आपके पास माइनस का ई माइनस वन इंटू वाई ऑफ जीरो, अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो y ऑफ 2 माइनस 3 ऑफ y1 प्लस 3 ऑफ y0 माइनस y ऑफ माइनस 1, जो कि अपना क्या है राइट हैंड साइड, साइड ऐसा ही होगा y2 माइनस 3y1 प्लस 3y0 माइनस y1, राइट है, आना ही है राइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं 10th नंबर क्वेश्चन को लेके बात करूंगा, तो 10th नंबर अपना क्वेश्चन है, अपन राइट हैंड साइड को लेके बात करेंगे क्योंकि मैं हमेशा वो कांसेप्ट अपनाता हूं जिस तरफ जो ज्यादा टर्म है उसको लेकर अपन यदि बात करें तो अपन टर्म काटने में इजी रहता है, लेकिन यदि अपन शॉर्ट टाइम में लेंगे तो उसमें अपन को टर्म घटाने भी पड़ सकते हैं, जोड़ने भी पड़ सकते हैं, गुणा भी करने पड़ सकते हैं और भाग भी देने पड़ सकते हैं, इसलिए मैं हमेशा बड़े टर्म से स्टार्ट करता हूँ। तो राइट हैंड साइड को लेके मैं चलूंगा, तो राइट हैंड साइड क्या है, टू माइनस नेबला अपॉन टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस नेबला। अब मैं एक ही फॉर्मूला यूज करूंगा, देखिए अभी मैंने बताया था वन माइनस जो नेबला होता है वो e की पावर माइनस वन होता है, या फिर मैं इसको इधर लेके आऊं तो वन माइनस e की पावर माइनस वन होता है वो क्या होता है, नेबला होता है, नहीं होता है, मैंने बक्सा रंग किया है, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज कर लू तो देखिए क्या मेरे पास रिजल्ट आएगा, टू माइनस नेबला की जगह वन माइनस e की पावर माइनस वन अपॉन टू टाइम स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस नेबला, तो वन माइनस नेबला क्या होगा e की पावर माइनस वन, हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं तो आप नेबला की जगह लिख लो या क्या लिखोगे e की पावर माइनस वन, वन से वन कैंसिल आउट और e की पावर माइनस वन ही बचेगा, आप सेकंड ईयर के विद्यार्थी हो इतना आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए टू से वन एक बार गया, सॉरी टू में से एक गया फिर से बस गया, वन प्लस e की पावर माइनस वन अपॉन टू इंटू e की पावर माइनस हाफ, क्योंकि बाहर आएगा स्क्वायर रूट से e की पावर माइनस हाफ होगा। अब मैं पृथक पृथक भाग दे देता हूं, तो 1 by 2 मैंने बाहर ले लिया, 1 में e की पावर माइनस हाफ का भाग दूंगा अर्थात ये होगा e की पावर हाफ, और e की पावर माइनस 1 में भाग दूंगा तो ये होगा e की पावर माइनस हाफ, और यदि ये फॉर्मूला अपन देखे जाए तो ये क्या है म्यू है, तो ये आपके पास में आ गया म्यू, और ये अपना क्या है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये था अपने क्वेश्चन, तो मैंने आपके ऑपरेटर के ऊपर जितने भी 20 क्वेश्चन पढ़े हैं मैंने आपको 10-15 पहले करवा रखे हैं और 7-8 अभी करवा दिए, तो इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में फिक्स आना है, इसलिए ध्यान खोल कर चुन लें कि इन क्वेश्चन को अपन को अच्छी तरह से सॉल्व करना है और कोई भी स्टेप रटना नहीं है। इतना जरूर याद रखना है कि रिलेशन क्या होते हैं, रिलेशन याद रखने, और मैं तो कहता हूँ यदि आपको रिलेशन भी याद नहीं रहते हैं तो रिलेशन भी आप प्रूव कर सकते हो, क्योंकि मैंने एक एक रिलेशन को आपको डिराइव करके बताया है, व्युत्पन्न करके बताया है।